फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर रहने के लिए, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ में एक्सरसाइज 11.2 का, 11.2 से लेकर क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है वो क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल ड्रा करना जिसकी रेडियस कितनी 3 सेंटीमीटर, टेक टू पॉइंट्स ठीक है पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर मतलब 3 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होगा उनमें से कोई एक डायमीटर, ठीक है डायमीटर आपके पास जितने भी सेंटर से लाइन जाएंगी आपके पास में वो सब डायमीटर ही कहलाएंगी, तो उसमें से कोई एक डायमीटर को क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से आपको 7 सेंटीमीटर डायमीटर क्या करना है कर लेना है, सेंटर से 7 सेंटीमीटर आपको डायमीटर कर लेना है। अगर मैं कहूं कि सर्किल से 4 सेंटीमीटर कर लेना, सर्किल से डायमीटर को दोनों तरफ आपके पास में दोनों तरफ 4-4 सेंटीमीटर बढ़ा लेना ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रा टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम दियर टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, और उन्हीं दोनों पॉइंट से आपको सर्किल पे टेंजेंट को ड्रा करना है ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्किल है अगर हम उसको ड्रा करें तो क्या मिलेगा हमको ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर सर्किल का रेडियस, रेडियस का सर्किल सबसे पहले मेजर करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस हमारे पास लगभग ये हो जाए, लगभग ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ठीक है। सबसे पहले हमको एक पॉइंट की तलाश है, एक पॉइंट तलाश कर लिया, ये हमारा सेंटर हो जाएगा O, किसके लिए 6 सेंटीमीटर सर्किल के लिए, और ये टिप रखेंगे हम और ये सर्किल को ड्रा कर लेंगे। सर्किल को क्या करेंगे हम ड्रा करेंगे ठीक है, ये सर्किल को हमने ड्रा कर लिया क्लियर है। सर्किल को ड्रा किया जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, अब इसी के जो डायमीटर है उनको 7-7 सेंटीमीटर को बढ़ा लेना, 7 सेंटीमीटर तो दोनों तरफ हम 7-7 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं ठीक है, दोनों तरफ 7 और 7 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। मैं यहां से 4 सेंटीमीटर इधर कर लिया, ये कर लिया बेटा 4 सेंटीमीटर मैंने, ये हो गया आपके पास में टोटल 7 सेंटीमीटर सेंटर से, इधर भी मुझे 7 ही सेंटीमीटर बढ़ाना है हो गया 7 सेंटीमीटर ठीक है। दोनों तरफ हमने 7-7 सेंटीमीटर को क्या कर लिया है बढ़ा लिया, अगर दोनों तरफ 7-7 सेंटीमीटर को बढ़ा लिया है एक्सटेंड कर लिया है तो यहां पास एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है बेटा, इसको पॉइंट पी दिया और इसको पॉइंट क्यू दिया ठीक है। यहां से लेके यहां तक अगर बात करें, यहां से लेके यहां तक कितना है 7 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है ये भी 7 सेंटीमीटर ठीक है। तो मैं लिखूंगा, लिख दिया ऐसे ही, इवन आपको हटा दीजिए इसको, आपको क्या करना है इन्हीं दोनों पॉइंट से आपको सर्किल पे टेंजेंट ड्रा करना, आपको सर्किल से टेंजेंट ड्रा करना है किस पर पॉइंट से, तो हम उस पॉइंट से और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेते हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा आपके पास में वो
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी से हम सर्किल को ड्रा कर लेते हैं, वो सर्किल जो पीछे वाले सर्किल को जहां पे कट करेंगे ना, फिर वहीं से आपको टेंजेंट मिल जाती है। तो हमने क्या किया, हाफ से ज्यादा लेना है, ले लिया हाफ से ज्यादा, और ये हमने आर्क लगा दी। पास में SQ और QR भी इसी तरीके से आपके पास में required tangent हो गए, ठीक है? आपका ये question number ये finish हो गया आपके पास में question number 3, ठीक है? मिलते हैं अगले question के साथ अगले video में।
और जब तक आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आप चैनल में नए हैं तो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जितना शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा और दोस्तों को पता भी चलेगा और जानकारी भी होगी क्वेश्चंस के बारे में और चैप्टर्स के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।